प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, गिव अवे के बारे में आपको पता चलने वाला है ना, कुछ न्यूज इंटरेस्टिंग वो मैं आपको अपडेट दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। और उसके बाद एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज होने वाला है। प्लीज ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है तो जो पहली पेमेंट आएगी, मार्क माय वर्ड्स, उससे मैं कुछ अमाउंट डोनेट करूंगा। डोनेट मतलब आपके साथ शेयर करूंगा, है ना, जो मैं कुछ चुनूंगा, है ना, कमेंट्स करेंगे, जो भी लोग कमेंट्स करेंगे मैं उसमें से कुछ बंदे सेलेक्ट करूंगा, उनको ट्रेडिंग के लिए, है ना, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है उनको ट्रेडिंग के लिए वो अमाउंट कुछ दिया जाएगा ताकि वो ट्रेड कर सके, है ना, इनिशियल लेवल पे। ज्यादा अमाउंट नहीं, क्योंकि मेरे को खुद उतना ही मिलने वाला है, बट जितना होगा मैं अपनी एंड से ट्राई करूंगा। सो प्लीज कमेंट कर देना, है ना, चैनल जल्दी जल्दी वीडियो देखो, चैनल को मोनेटाइज करा देते हैं, ठीक है। सो चलिए अपन देख लेते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लॉजिक और डिस्कशन देख लेते हैं। सो होप्स यू गाइस अभी आपको न्यूज देख रहे हो, कुछ न्यूज है मेरे पास। मार्केट क्यों गिरा, अडानी जी मैनिपुलेशन कर रहे थे अपने स्टॉक्स में, वो पकड़े गए। हिंडनबर्ग करके एक है कंपनी, है ना, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें पता चला कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुए थे। अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के, वो 5-10% गिरे फ्राइडे को। इंडियन मार्केट नेगेटिव में क्लोज, हम सबको पता ही है, निफ्टी अराउंड 1200 पॉइंट गिर गया, है ना। सेलर्स को बहुत फायदा हुआ, FIDII नेगेटिव में है, और सेबी की एक रिपोर्ट आई है F&O ट्रेडिंग को लेकर, मतलब एक रिपोर्ट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, आप सबको हेल्प मिलेगी, स्पेशली बिजनेस को। सबसे पहले उसका डेटा देख लीजिए आप, है ना, FIDII का। FII राउंड फिगर में लेते 24,000 करोड़ माइनस सेल किया है ना, और DII ने 1300 करोड़ समथिंग बाय किया, बट ओवरऑल लॉस है 1000। स्टिल मार्केट अभी भी बेयरिश है। सेबी की एक रिपोर्ट है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, होप सो आपको देख पा रही होगी। मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ, यहाँ देखो सीधी सीधी सेबी ने ये बोला है कि 2022 में जो भी ये FNO में जो भी बंदे ट्रेड कर रहे हैं ना, उसमें से 10 में से खाली 9 लोग लॉस कर रहे हैं, खाली एक ही बंदा प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 100% में से खाली एक ही % बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं ना। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन है यार, है कि इतने लोग लॉस कर रहे हैं ना। अभी क्या हुआ कि जितने लोग भी FNO वाले ऊपर उठे हैं ना, रीजन यही रहा है कि बाकी लोग लॉस कर रहे हैं तो इनका पैसा उनके पास जा रहा है ना। सो ये बस एक सिंपल सी रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया हूं मैंने। चलिए अपन देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकते हैं। खूब से वैसे भी आप कुछ स्क्रीन देख रहे हो, मेरे पास निफ्टी ओपन है वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टिल निफ्टी ने इनसाइड कैंडल का कोई ब्रेकआउट नहीं, भैया मान नहीं रहा ये। इनसाइड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, जिस तरह भी ब्रेकआउट देती है धड़ल्ला का मार्केट जाता है ना। अभी भी निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है ना, आज देखिए डोजी बनाते बनाते ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे हल्ट कर दिया है ना, एक प्रॉपर एंगल्फ, मतलब अभी भी मदर कैंडल के अंदर में है ना। किस तरह ब्रेकआउट देता है कह नहीं सकते, है ना। सो ये तो था वीकली टाइम फ्रेम पे। चलिए एक बार अपन देख लेते हैं इसको एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं अपन, बैंक निफ्टी कैसा वर्क कर रहा है। सबसे कैसे भी आपको देख रहा होगा बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर है, स्टिल इसने ब्रेकआउट दे दिया ये वाली कैंडल का, जो रिसेंट कैंडल थी ना वीकली टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया डाउन साइड में, है ना, जो कि बेयरिश शो कर रहा है। बट स्टिल ये एक कैंडल आपको देख रही होगी 19 दिसंबर की, है ना, मतलब ये दिसंबर के वीक के लास्ट ईयर के लास्ट मंथ की। सो यहाँ पे स्टिल अभी 41,600 के नीचे ब्रेकआउट नहीं मिला है ना प्रॉपर। अगर ब्रेकआउट मतलब प्राइस एक्शन नहीं बनाया गया है, बट रिवर्स कर गया है। इनसाइड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज ये चीज आप नोट करके रखिए, है ना, वीकली और डे टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल लगा के देखिए, है ना। कोर्स बाय करके ही सीखने वाली चीजें फ्री में आपको मिल रही हैं, तो इनको नोट बना लो यार एक, है ना, आपको हेल्प हो जाएगी। छोटी सी कॉपी लेके उसमें लिखते चलो 15 EMA 200 EMA एंड 10 इनसाइड कैंडल, ओके। सो जस्ट अभी इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हमको प्रॉपर मिलने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। बट स्टिल इतनी सेलिंग आ चुकी है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अभी एक सपोर्ट ले सकता है ये वाला लेवल, है ना। अगर इसके नीचे भी ब्रेक करना स्टार्ट करता है ना, तो ये हमारे लिए ये लेवल खुल जाएगा, है ना, 41,000 तक का लेवल खुल जाएगा ये, यहाँ तक मार्केट आ सकता है फिर, है ना, 41,000 तक। सो होप सो आप समझ गए होंगे वीकली टाइम फ्रेम। चलिए अपन देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सुबह से अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी मेरे पास, बैंक निफ्टी का चार्ट ऊपर है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए मार्केट क्या हुआ, एकदम धड़ल्ले से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे अभी साइडवेज चला गया, इसके नीचे और नहीं गया, ठीक है। अभी हमारे लिए नेक्स्ट होगा क्या, देखिए क्या कर सकते हैं। अगर देखते हैं पहले अपन SGX निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। SGX निफ्टी है थोड़ा सा गैप डाउन है ना, बट होगा क्या हमारे लिए, हो सकता है मार्केट थोड़ा अब अप जाना चाहिए, इतनी सेलिंग आ चुकी है, मेरे को नहीं लगता और कोई पोजीशन होल्ड किया होगा, है ना, मोस्टली लोग ने निकाल दी होगी, है ना, या फिर जो सेलर्स होल्ड कर रहे होंगे ना वो थोड़ा ट्राई करेंगे मार्केट ओपन तक के लिए, है ना। कल कैसा क्या होता है, अगर मार्केट डाउन जाना स्टार्ट करता है तो वो स्टिल होल्ड करेंगे, है ना, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट और डाउन जा सकता है। बट स्टिल यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका है, जो कि कौन सा लेवल है, 41,600 का ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। इसका ब्रेकआउट होने पे हो सकता है मार्केट हमको 41,000 तक, मतलब यहाँ तक भी देख सकता है ना,
बट हमारे लिए अगर अपसाइड मार्केट जाता है तो इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, ये एक अच्छी रेंज है हमारे लिए। आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करता है 41,900 है ना, 41,900 अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड जा सकता है। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या आएगी, 42,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल वो होता है जहाँ पे हर राउंड फिगर को साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। 42,000 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। ओआई डेटा आप देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग होंगे है ना जो मार्केट को ट्राई करेंगे कि ऊपर ना जा पाए। बट स्टिल मेरे को लगता है कि अब इतना हो चुका है ना कि लोग अब निकलना चालू करेंगे, और निकलना चालू करेंगे तो मार्केट अपसाइड में ऐसे लैंडिंग करना स्टार्ट करेगा। 200 EMA के मार्केट ऊपर अगर ट्रेड करता है तो थोड़ा सा हल्ट ले सकता है 50 EMA पे, 42,200, ओके 42,200 हो सकता है थोड़ा हल्ट करे, बट लगता नहीं। अगर एक बार 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है मार्केट अपसाइड में जा सकता है। मैं अपना सीन बता रहा हूँ, अगर 42,000 ब्रेक हुआ तो मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा बैंक निफ्टी में है ना, मतलब कॉल बाय कर सकता हूँ। और अगर सेंटिमेंट प्राइस एक्शन मार्केट ने डाउन साइड का देखा है तो मैं एक सेलिंग साइड में जाऊंगा, बट इसके ब्रेकआउट के बाद 41,500 के नीचे ही मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, टारगेट रहेगा मेरा 41, मतलब ट्रेलिंग एसएल के साथ मैं टारगेट लगाऊंगा अपना 41,300 तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। हर 100 पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। मार्केट थोड़ा हल्ट कर सकता है बट मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल से बैंक निफ्टी रिवर्ट हो सकता है। आपको पता है बैंक निफ्टी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, यही प्रॉब्लम होती है उसमें, एसएल बड़ा रखना पड़ता है नहीं तो एसएल हंट हो जाता है, और हम जैसे रिटेलर्स जिनके एसएल छोटे रहते हैं वो आउट हो जाते हैं। होप सो आप ये इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो आप समझ गए हैं, 42,000 के ऊपर जाता तो मैं बाय करूंगा, और मार्केट 41,500 के नीचे आता तो मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा। चलिए अभी अपन निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ पे वर्क कर रहा है, एक मिनट। होप से कहते अभी आपको निफ्टी देख रहा होगा, मेरे पास निफ्टी का चार्ट ऊपर है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। स्टिल यहाँ पे भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं प्रीवियसली मार्केट कितनी बार यहाँ पे, मैं इसको जस्ट मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने कितनी बार वर्क किया है। हमेशा लॉजिक पे ट्रेड करा रहे, इमोशंस को साइड में रखो नहीं तो लॉस हो जाएगा। और हाँ प्रॉफिट मैं बताना भूलेगा, एक्सपायरी के दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरा सेटअप था सेलिंग का था, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा दी थी सब सेलिंग की थी एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने फिर से एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए। कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, अगर मार्केट यहाँ पे 17, देखो इसमें मैं सेल करूंगा 17,800 का, क्यों, क्योंकि इनसाइड कैंडल जो बन रही है ना, इनसाइड कैंडल पे ध्यान रखो, इनसाइड कैंडल बन रही है 17,800 पे, जस्ट वो भी दिखा देता हूँ आपको 17,800, ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल और बहुत बढ़िया सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट होता है तो एक और शार्प सेलिंग का मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है, बट अब मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो ट्राई यही होगा अभी कि मार्केट इसके नीचे तो आएगा ही है ना, जो कि दिन का प्रीवियस दिन का लो होगा। बट अगर 17,800 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा, और अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूँ। 18,000 पे थोड़ा हल्ट कर सकता है, रिस्क भी रह सकता है, 18,000 से रिवर्ट जा सकता है, बट मैं इतना टारगेट अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ वर्क करूंगा। ये चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको याद रखो कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग ट्रेलिंग एसएल के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे रिवर्सल हो सकता है। सो ये सब इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। होप सो गाइस आप ये सब लॉजिक समझ गए होंगे है ना। अगर बट 200 EMA है अगर यहाँ पे, अगर मार्केट अपसाइड जाते जाता है तो 200 EMA पे कहीं ना कहीं हल्ट करेगा। प्रीवियसली मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया 200 EMA पे, देख सकते हैं यहाँ पे भी 200 EMA है ना, यहाँ पे भी 200 EMA है, 200 EMA बहुत इतनी इजीली नहीं ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक होता है तो मार्केट एक ट्रेंड ही चेंज कर देता है। सो होप सो 200 EMA के नीचे वर्क कर रही है मार्केट, डाउन साइड में अगर वर्क किया तो हो सकता है हमको एक और सेलिंग मार्केट देखने मिल जाए। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने एक वीडियो बनाया था, हो सकता है मुझको उस पर कॉपीराइट आ जाए, और अगर कॉपीराइट आता है तो कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा है ना, ऐसा लगता तो नहीं बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से कि ना हो। सो प्लीज़ ये सपोर्ट बनाए रखिए है ना, बहुत ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन करवा दीजिए मेरी, ताकि आप लोग जो ज़रूरतमंद ट्रेडर्स हैं उन तक कुछ अमाउंट पहुँच पाए ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और लॉजिकल अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ज़रूरत है, स्ट्राइक आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए अभी आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।